नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बीजेपी ने संकेत दे दिए हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीएम के तौर पर नए चेहरे देखने को मिलेंगे और इसी के साथ ही कयासों का दौर भी शुरू हो चुका है। आखिर वो नया चेहरा कौन होगा? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कई सवाल हैं और इस सवाल का जवाब हर कोई ढूंढ रहा है। बीजेपी नए चेहरे की तलाश कर रही है। इसी के साथ ही शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी पर संकट आ गया है। उधर छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह, विष्णुदेव साय, ओपी चौधरी के अलावा कई नाम हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी किस चेहरे पर मुहर लगाती है, केंद्रीय नेतृत्व किस पर मुहर लगाएगा, और इन्हीं सवालों को लेकर हम लेकर आए हैं अपना ये खास पेशकश, कुर्सी दावेदार अनेक, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो भाजपा ने संकेत दिए हैं कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ पार्टी नए चेहरों के विकल्प के तौर पर भी जा सकती है। पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद इन अटकलों को बल मिला है। फिलहाल नाम फाइनल करने के लिए नतीजे आने के चौथे दिन भी मंथन चल रहा है। संसद भवन परिसर में भाजपा संसदीय दल की बैठक हुई तो वहीं छत्तीसगढ़ के चेहरे पर भी मंथन चल रहा है। क्या कुछ होने वाले इस मंथन के बाद, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो कई सारे नाम हैं, नाम अनेक हैं, पर फैसला तो एक पर लेना होगा और इसी पर विचार विमर्श पार्टी में हो रहा है। मंथनों का दौर चल रहा है कि आखिर किसके चेहरे पर मुहर लगाई जाए। लॉबिंग चालू हो चुकी है, दिल्ली का रुख कर रहे हैं सभी। तस्वीरें हमने लगातार देखी किस तरह से लॉबिंग शुरू हुई है। कैलाश विजयवर्गीय हो और नेता हो, दिग्गज हो, किस तरह से दिल्ली का रुख कर रहे हैं, किस तरह से सियासी गलियारों में हलचल मची है, ये हम हर रोज देख रहे हैं। आखिर और कितना इंतजार करना होगा ये नहीं पता, पर जल्द शायद बीजेपी फैसला ले सकती है या ये भी हो सकता है बाकी राज्यों में जिस तरह से समय लिया बीजेपी ने और उसके बाद फैसला लिया और चौंकाया फैसले से, कुछ ऐसा ही यहां पर भी देखने को मिल सकता है। तो प्रबल दावेदार यहां पर विष्णुदेव साय भी हैं, ये भी लाइन में लगे हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी किसके नाम पर मुहर लगता है। दिग्गज हैं, करीबी माने जाते हैं और इनके नाम पर भी मुहर लग सकती है। कई सारे नाम सामने आ रहे हैं पर असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है। अरुण साहब चूंकि प्रबल दावेदार बने हुए हैं, लगातार इनके नामों की चर्चाएं चल रही हैं और हो भी सकता है कि इनके नाम पर बीजेपी मुहर लगा दे और पुराने नाम पर फिर से ना जाए बीजेपी। तो हो सकता है ये अरुण साहब को लेकर आए, उनके नाम पर मुहर अरुण साहब लगाए। तो लगातार जो है नामों पर मंथन चल रहा है। ये युवा चेहरा ओपी चौधरी हैं, इनके नाम पर भी मंथन हो रहा है। चूंकि जैसे कि बीजेपी में हम देख रहे हैं लगातार कि नए चेहरों को मौका बीजेपी देती हुई नजर आ रही है, हो सकता है ओपी चौधरी भी इसमें शामिल हो, इनके नाम पर मुहर लगे। और हमारे साथ सहयोगी अशरफ काजमी दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं, तो वहीं आकाश शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ेंगे, शैलेंद्र चौहान भी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, सबसे पहले आपका रुख करती हूँ, भोपाल से लेकर के दिल्ली तक सियासी गलियारों में जो हलचल मच रही है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी सवाल पैदा कर रही है कि आखिर कब और कौन होगा, क्योंकि कई सारे दावेदार हैं पर एक पर ही फैसला लेना होगा। लोग सोच रहे हैं कि मामा फिर से आएंगे या नया चेहरा जिसे हम नहीं जानते या कोई नया आके सत्ता में बैठेगा। आखिर किस तरह से देखें, किस तैयारी से या स्ट्रेटजी से बीजेपी इस समय आगे चल रही है? देखिए ऋतु, किसके नाम की लॉटरी लगेगी इसके लिए तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जिसके सर पे भी ताज मुख्यमंत्री का रखा जाएगा वो करीब करीब पार्टी में एक या दो लोग ही जानते हैं इसके बारे में, और कोई नहीं, राष्ट्रीय नेतृत्व के अलावा किसी को नहीं पता कि क्या हो। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है मंथन का दौर जारी है और कयास जो लगाए जा रहे हैं लगातार लगाए जा रहे हैं। कल जिन केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने चुनाव लड़ा था उनसे इस्तीफा ले लिया गया और अब उससे ज्यादा और अटकलें होगा तेज हो गई हैं कि जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है
अब उनमें से शायद किसी को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का ताज पहनाया जाए। तो कयासों का दौर है और लगातार मंथन चल रहा है। आज प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों को बुला रखा, पार्टी के जो सांसद हैं उनके साथ वो बैठक कर रहे हैं, हर सत्र में करते हैं। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं उनसे जो पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व हैं एक साथ बैठे हैं, कहीं ना कहीं मौका लगेगा तो चर्चा भी हो जाएगी। इसके अलावा जो प्रमुख बात है कि रणनीति के जो का है वो करीब करीब तैयार हो चुकी है, क्योंकि दो दिन पहले प्रधानमंत्री आवास में 3 से 4 घंटे तक बैठक हुई थी, उसमें रणनीति तैयार कर ली गई। बस अब उस जो फैसले लिए गए हैं उसका इंतजार है। सबसे पहले पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे, वो भोपाल रायपुर जाएंगे, वहां पर विधायकों से राय लेंगे और जो राय होगी। सवाल यहां पर यह भी है कि जिस तरह से हम नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं, सभी फील्ड पर जो सहयोगी पहुंच रहे हैं पूछ रहे हैं नेताओं से सवाल, तो उनका साफ तौर से कहना है कि मैं इस रेस में नहीं हूं, या वीडी शर्मा की हम बात कर ले, उन्होंने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो आखिर लॉबिंग क्यों दिल्ली तक पहुंच रहे हैं, आला कमान से मिल रहे हैं, श्रेय दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को और तमाम तरह की बातें कर रहे हैं? अनुशासन है, यहाँ पर कोई भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता नहीं स्वीकारता कि मैं इस रेस में हूँ, मुझे ये पद चाहिए, वो सब लोग मना करेंगे। आप शिवराज सिंह चौहान साहब को देख लीजिए, उन्होंने मना कर दिया, मैं कार्यकर्ता हूँ। आप वीडी शर्मा को देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए आप, वहाँ पे जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने मना कर दिया, प्रदेश अध्यक्ष ने मना कर दिया, अरुण साव, लेकिन इसके बावजूद यही लोग रेस में हैं, इनके अलावा कोई नहीं है। पार्टी का अनुशासन बना रहे वो भंग ना हो, इसलिए ये लोग स्वीकारते नहीं हैं कि हम किसी तरह की मुख्यमंत्री पद की रेस में हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है आप देखती हैं कि नाम जो है इन्हीं नेताओं के इर्द गिर्द हैं, तो जिससे साफ है कि जो पार्टी नेतृत्व है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनको इन्हीं में से किसी को अपना मुख्यमंत्री के नाम का जो ताज है, जो पद है, इनके सेहरा इन लोगों के सिर पर बंधेगा। और या फिर एक चीज और है जो पार्टी लगातार करती आ रही, कि कोई चौंकाने वाला नाम हो। अब चौंकाने वाला नाम इनके अलावा अगर कुछ है तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी में जो सूत्र बता रहे हैं करीब करीब मंथन हो चुका है, बस अब फैसला सार्वजनिक करने की देरी है। जी रितु, ठीक। आप सभी लगातार हमारे साथ बने रहिए। भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। लगातार जो है हलचल बीजेपी में मची हुई है, बीजेपी के सीएम के फेस को लेकर के, आखिर क्या लगता है आपको, चुनौती आप मानते हैं कि अगर शिवराज रहेंगे, अगर शिवराज के अलावा भी कोई बड़े नेता आते हैं जिस तरह से मैदान में है, चुनौती रहेगी क्या कांग्रेस के लिए? भूपेंद्र जी आपकी आवाज मुझे नहीं मिल पा रही है। ठीक, जुड़ने की फिर कोशिश हम करेंगे। शैलेंद्र चौहान हमारे साथ भोपाल से लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सवाल यह भी है कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार, सबसे प्रबल दावेदार की अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान ही हैं, और जिस तरह वो लगातार ये कह रहे हैं कि ना मैं पहले दावेदार था ना अब हूँ, फिर लाडली बहनों के बीच में पहुँचते हैं तो वो कहते हैं कि मैं भैया और मामा ही रहना चाहता हूँ, मुझे किसी पद की ज़रूरत नहीं है, तमाम तरह की बातें, आखिर किस तरह से देखें, क्या वाकई में बीजेपी पूरी तरह से शिवराज सिंह चौहान को साइड करके नया चेहरा लाना चाहती है, ये पूरी तरह से संकेत है? देखिए, बिल्कुल अगर बात मानी जाए, अभी तक जब भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आई थी तो कहीं ना कहीं ये अटकलें थी, ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार रिपीट होंगे। लेकिन कल विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से जब से खबर आई है कि भाजपा ने तीनों ही राज्यों में नए चेहरों पर विचार किया है या विचार करना शुरू कर दिया है, उसी बीच जब सीएम का ये बयान आया कि मैं मुख्यमंत्री पद की दौड़ में ना था ना हूँ, उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि मैं दिल्ली
दिल्ली भी नहीं जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं इन दो बयानों के बड़े गहरे अर्थ लगाए जा रहे थे। हमने कहा भी था कि सीएम के ये बयान कोई ना कोई बड़ा अर्थ है, कोई संदेश दे रहे हैं, तो अब वो ऐसा अटकलों के बाद ये माना जा रहा है कि सीएम को कोई ना कोई एक मैसेज है और वो इसी कारण अभी तक ना दिल्ली गए हैं। पिछले जीत के बाद से एक भी बार वो अभी तक दिल्ली नहीं गए, जबकि जो सीएम पद की दौड़ में जितने भी नेता हैं वो सारे पिछले तीन दिनों से दिल्ली में सक्रिय है। हर नेता यहाँ से दिल्ली जा रहा है, लगातार राष्ट्रीय नेतृत्व से मिल रहा है, कोई पीएम नरेंद्र मोदी से मिल रहा है, कोई गृहमंत्री अमित शाह से मिल रहा है, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल रहा है, बकायदा उसके फोटो वीडियो भी सामने आ रहे हैं कि आज मुलाकात हुई। इसके अलावा जो लौटेंगे भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से। भूपेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। 2024 की तैयारी तो चली रही है आपके यहाँ पर जिस तरह से चुनौतियां बहुत ज्यादा नजर आ रही है, आप आखिर किस तरह से देखते हैं? शिवराज थे अब तक है तो ये ज्यादा बड़ी चुनौती है या कोई और नया चेहरा आता है, नया नेता आता है, नया सीएम बनता है, वो बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक विषय है, वो किसे तय करते हैं। सात इंजन उन्होंने इस गाड़ी में लगाए थे, जिस भी इंजन पर वो दाव लगाना चाहे लगा सकते हैं। कांग्रेस की चिंता ये है कि जो भी सरकार जो है बनेगी वो सरकार क्या अपनी जो गारंटियों की पूर्ति करेगी। आज जो है प्रदेश की जो लाडली बहनाएं हैं वो इसको देख रही हैं कि 3,000 रुपए का उन्हें जो वादा किया गया था वो उन्हें तत्काल दिया जाए। तो कोई जो भी व्यक्ति इनमें से सक्षम हो कि वो इसकी पूर्ति कर सकता है उसको सामने लाना चाहिए और जनता के कल्याण के जो वादे किए हैं उन कल्याण के वादों के उस पर खड़े उन्हें उतरना चाहिए। अभी तो दुर्भाग्य मध्य प्रदेश का ये है कि जो है चुनाव का परिणाम घोषित हुए लगभग 3 से 4 दिन 5 दिन हो गए हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, एमपी में सीएम पद के लिए सस्पेंस बरकरार है। आज रात तक एमपी के लिए होगी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, 1 या 2 दिन में पर्यवेक्षक दिल्ली से भोपाल आ जाएंगे, विधायक दल की बैठक तय होगी, बैठक में सर्वसम्मति से सीएम के नाम को लेकर मंजूरी दी जाएगी। तो पर्यवेक्षक रवाना होंगे, विधायक दल की बैठक होगी, बैठक में तय होगा, नाम पर चर्चा होगी, आज रात पर्यवेक्षक की नियुक्ति हो जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एमपी में सीएम पद के लिए सस्पेंस लगातार बरकरार है। भूपेंद्र जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी हाँ जी। हमने देखा किस तरह से शिवराज जब से आए 2004 से ही अगर हम स्थिति देखें तो कहीं ना कहीं वो पनपने नहीं दिया गया कांग्रेस को, या कमजोर बहुत कांग्रेस होती चली गई। तो आपको नहीं लगता है कि अगर शिवराज जाएंगे तो रास्ता साफ होगा और अगर रहेंगे तो और ज्यादा मुश्किलें होंगी? देखिए, शिवराज जी के रहने से या नहीं रहने से जो है कोई पार्टियां तो समाप्त होती नहीं है। हमारा 40% जो हमारा वोट शेयर था वो ज्यों का त्यों इंटैक्ट है, हमारे को तो क्षति वो पहुंचा नहीं पाए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो आकस्मिक जो है 8-9% की वोट की बढ़त मिली है वो निश्चित रूप से हमारे लिए भी सोच का विषय है, और ये जो है जो चुनाव विश्लेषक हैं उनके लिए भी ये रिसर्च का विषय है और इस पर खोज रिसर्च होनी चाहिए। तो चुनौती हमारे सामने जो कल थी वो आज है और उस चुनौती का हम लोग सामना करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने जो अभी चुनौती है वो ये है कि जो वादे किए गए हैं वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर किए गए हैं, उनकी गारंटी दी गई है। तो ये जो 3,000 रुपया है और जो अन्य जो बातें की गई हैं या वादे किए गए हैं उन वादों की पूर्ति की दिशा में जो आदमी आगे ले जाए उसका जो उसका नाम सामने आए तो कांग्रेस पार्टी उस पर जो है आगे फिर अपनी रणनीति बनाएगी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, खास चर्चा हमारे साथ आपने की। सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, एमपी के लिए पर्यवेक्षक की नियुक्ति होने जा रही है, आज रात में होगी, क्या माने ये जल्द जो बैठकों का दौर चलेगा जल्द मुहर नाम पर लग सकती है? हाँ देखिए, बिल्कुल बिल्कुल साफ है कि पिछले 2-3 दिन की जो बड़ी बैठकें चली पीएम मोदी की, अमित शाह की और जो जेपी नड्डा, इन तीनों के बीच लगातार 2-3 दिन मंथन चला है। उसके बाद ये माना जा रहा है कि एक जो चेहरे हैं वो लगभग
तय हो चुके हैं, केवल अब जो भाजपा औपचारिक तरीके से उनका ऐलान के पहले की जो कवायद है, सबसे पहले पर्यवेक्षक होंगे, तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे, तो वो पर्यवेक्षक जो आज रात तक उनके नाम आ जाएंगे और संभवतः आज रात तक उनकी घोषणा के बाद वो कल भोपाल में होंगे, तो एक दो दिन में पर्यवेक्षक भोपाल में होंगे और उसके बाद विधायक दल की बैठक जो एक परंपरा है भाजपा की, उसके पहले बता दिया जाएगा, पर्यवेक्षक नाम बता देंगे। ऐसा लगता है जितने भी सीनियर लीडर्स एमपी के उनको जिस तरह से मुलाकात हुई, बुलाया गया, उन लोगों को भी बता दिया गया है कि नाम नहीं बताया लेकिन ये बता दिया गया है कि पार्टी जो आदेश करेगी वो आपको पर्यवेक्षक बताएंगे और उसके बाद एक बैठक होगी और बैठक में सर्वसम्मति से उस नेता को चुना जाएगा जो कि सीएम पद का चेहरा होगा और उसके बाद की कवायद ये होगी कि उसके बाद एक से दो दिन उसके बाद शपथ की तारीख सामने आएगी। तो अगले दो से तीन दिन मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण है, जो पर्यवेक्षक आएंगे वो नाम बताएंगे, उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, सर्वसम्मति से नेता चुना जाएगा और उसके बाद नाम का ऐलान होगा और उसके बाद शपथ वाली प्रक्रिया तक पहुंचेंगे। जी जी ठीक ठीक ठीक, आप लगातार बने रहिए, अशरफ भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशरफ, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि ठीक है, राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय हैं, वो लगातार लॉबिंग कर रहे हैं और तरह तरह के उन्होंने बयान भी चुनाव के दौरान दिए थे, कई सारे संकेत दिए थे कि मुझे बड़ा पद मिलने वाला है, बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, पर इतर हम पटेल की बात करें यहाँ पर तो खुद को चौहान के विकल्प के रूप में वो देख रहे हैं क्योंकि ओबीसी का एक फैक्टर बहुत बड़ा है, इसे किस तरह से हम देखें? देखिए ऋतु, कौन दावा का जो दावे कर रहे हैं, क्या उनकी लॉटरी खुलेगी नहीं खुलेगी, इसके बारे में बस आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कल भी आपसे बताया था कि करीब 72 घंटे में पूरी स्थिति साफ हो जाएगी और ये जो उम्मीद है, क्योंकि आज जैसे हो रहा है कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी और फिर वो संभवतः कल एक अशरफ, मेरा सवाल यहाँ पर मेनली ये है कि आखिर फोकस किस पे, ओबीसी वर्ग पर फोकस रहेगा, ओबीसी फैक्टर पर फोकस है बीजेपी का इस बार? देखिए ओबीसी पर इसलिए ज्यादा फोकस है ऋतु, क्योंकि यहां पर आबादी है और दूसरा ये कि ओबीसी मुख्यमंत्री को लेकर पूरे देश में कांग्रेस ने एक बड़ा अभियान चलाया ओबीसी समाज को लेकर कि ओबीसी को रिजर्वेशन चाहिए, कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया और इसी चीज को जो बीजेपी है अब काउंटर कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं ओबीसी फैक्टर है और शिवराज सिंह चौहान खुद ओबीसी मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री खुद ओबीसी पीएम है, तो ओबीसी को रिप्लेस करके आप किसी और को दें तो वो थोड़ा सा दिक्कत है और इससे बचने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है शिवराज सिंह चौहान की जैसे किसी गैर ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो कांग्रेस जाहिर सी बात है हमलावर हो जाएगी, तो उसका काउंटर करने के लिए मंथन किया जा रहा है, उससे बचाव करने के लिए कि उनकी जगह कौन हो, किससे बचा जा सकता है राजनीतिक रूप से, किसे कैसे बचे, उनके जो वार होंगे उसको बचने के लिए क्या करना है, तो कहीं ना कहीं ओबीसी जो है का पूरी राजनीतिक घटनाक्रम में अब मुख्यमंत्री का जो ताज है वो पूरी तरह से इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो यहां पर आप सोचे कि गैर ओबीसी को किसी को बना दे तो थोड़ा सा मुश्किल भाजपा के लिए और इसी वजह से इतना समय भी लग रहा है कि मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर पा रहे और इसी दुविधा को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। आज जयराम रमेश ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है, उन्होंने बताया कि हमने अपने मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया गया लेकिन भाजपा जिनके पास प्रचंड बहुमत है वो मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं कर पा रहे, तो कांग्रेस को आपको समझना पड़ेगा कि देखिए लगातार हमलावर है और अगर इत्तफाक से शिवराज सिंह चौहान की जगह किसी और समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया तो कांग्रेस को एक और मौका मिल जाएगा भाजपा पे हमला करने का। ओबीसी को लेकर पहले ही हमलावर है कि देश में कितने, उन्होंने बताया कि सिर्फ अधिकारी काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश लौटेंगे आपके पास, छत्तीसगढ़ का भी रुख कर लेते हैं, कब से आकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, वही बात है कि सीट तो एक है पर दावेदार अनेक हैं और लॉबिंग भी शुरू हो चुकी है, आखिर हम किस तरह से देखें, क्या महिलाओं को जिस तरह से बढ़ावा बीजेपी लगातार देती आ रही है कि यहां पर भी यही फैक्टर खेला जाएगा, ओबीसी फैक्टर खेला जाएगा, या हम ये माने कि संघ की इच्छा को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, संघ की पसंद को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि अटकल यही है कि संघ की पसंद से भी हो सकता है यहां पर।
जी बिल्कुल, देखिए जो चर्चाएं चल रही है और जो कयास लगाए जा रहे हैं वो तो एक तरफ है ही। आप दो फैक्टर पे ध्यान दीजिए, एक तो आदिवासी चेहरे की मांग उठ रही है, दूसरा छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से ओबीसी की बहुलता है तो एक ओबीसी चेहरा, तो इन दोनों के बीच में ही मंथन चल रहा है। और जो संघ की बात है तो कहीं ना कहीं कन्वेंस संघ भी करता है, अपने नाम भी आगे बढ़ाता है, ये इंटरनली उनका मसला होता है जो कहीं ना कहीं चर्चा होती है। तो जो भी सीएम छत्तीसगढ़ में आएंगे वो संघ की पसंद से भी होंगे, ये भी कहा जा रहा है। अभी जो है दिल्ली में आज संसदीय दल की बैठक में पर्यवेक्षक तय हो जाएंगे और ये पर्यवेक्षक संभवतः कल यहां पर रायपुर में आ सकते हैं और छत्तीसगढ़ की उसके बाद विधायक दल की बैठक बताई जा रही है कि एक दो दिन में विधायक दल की बैठक हो जाएगी तो सीएम का नाम आ जाएगा। पर जो देखने को मिल रहा है, जो चर्चाएं चल रही है कि महिला नाम में दो नाम सामने आ रहे हैं कि एक तो रेणुका सिंह है, दूसरा गोमती साय है। इसके अलावा जो नाम सामने आ रहा है, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का नाम सामने आ रहा है, विष्णुदेव साय का नाम सामने आ रहा है, ओपी चौधरी भी ओबीसी एक चेहरे, बड़े चेहरे, युवा चेहरे के तौर पर देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में प्रतिक्रियाएं तो और इसको कयास तो लगातार लग रहे हैं, लेकिन फैसला जो है वो पर्यवेक्षक के आने के बाद, संसदीय दल की बैठक जो होगी, पर्यवेक्षक आएंगे उसके बाद ही जो नाम खुलकर आएंगे। जी ठीक ठीक ठीक, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी को निमंत्रण पत्र भेजा गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मुकेश अंबानी के साथ साथ पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन समेत करीब 7,000 लोगों को आमंत्रित किया है। इसके अलावा रामायण सीरियल में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखलिया को भी इस आयोजन में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। प्रधानमंत्री मोदी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। ट्रस्ट ने 3,000 वीवीआईपी सहित 7,000 लोगों को निमंत्रण भेजा है। बाईस जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और इस खास कार्यक्रम को लेकर के कई सारे निमंत्रण भेजे गए हैं। रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी को भी ये निमंत्रण गया है, साथ ही साथ कई सारे दिग्गज इसमें शामिल हैं, चाहे वो क्रिकेटर हो, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज से हो, इस तरह कई सारे लोगों को ये निमंत्रण गया है। और खास दिन पर 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और इससे लेकर के आरआईएल चेयरमैन को भी ये निमंत्रण गया है। अमिताभ बच्चन, सचिन समेत कई दिग्गजों को न्योता दिया गया है। इस खास मौके पर खास मेहमान पहुंचेंगे, वीवीआईपीस पहुंचेंगे और खास ये बेहद दिन, खास ये कार्यक्रम होने जा रहा है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने ये निमंत्रण भेजा है। खास कार्यक्रम, खास दिन रहने वाला है। 22 जनवरी को होने वाला है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम और इसी के लिए रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी को निमंत्रण पत्र भेजा गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मुकेश अंबानी के साथ साथ पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन समेत करीब 7,000 लोगों को आमंत्रित किया है। और इसके अलावा रामायण सीरियल में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखलिया को भी इस आयोजन में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।